वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं जो NS200 BS6 2022 मॉडल उसका एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। मैं गाड़ी जब लिया था उस टाइम मतलब गाड़ी का 1.5 साल था और अभी मेरे पास है ऑलमोस्ट 10 महीने के आसपास और गाड़ी मैंने लगभग 7,000+ किलोमीटर चला लिया। सो और गाड़ी में मैंने इंस्टॉल किया ये बाइजन का क्लैश गार्ड, ये विंडचिल और ये फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ये लगाया। रुफिया का सैडल स्टैंड टॉप है एंड ये KTM का हैंडल बार। लगभग ये सब मिला के ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का, मतलब जो चीज़ मैंने यूटेंसी मॉडिफाई किया गाड़ी को। सो यही है, आज जो है टायर चेंज करने जा रहा हूँ। ये टायर ऑलमोस्ट 22,000+ किलोमीटर चल गया क्योंकि ये टायर मेरा जिक्सर का था। जब ये गाड़ी लिया था उस टाइम पे इसका टायर उतना मतलब ठीक ठाक नहीं था तो इसके लिए टायर मैंने चेंज कर लिया था। देखो टायर में क्रैक है, पीछे का जो टायर है यही ज़्यादा मतलब घिस गया, सामने का फिर भी ठीक है लेकिन चेंज कर रहा हूँ तो एक साथ कर रहा हूँ। एपेलो का ट्रैम्पलर XR करके कुछ टायर है, रेडियल टायर, पीछे में रेडियल होगा सामने में नाइलॉन शायद, तो दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 5,300 या 4,000 के आसपास पड़ेगा। तो वही टायर आज इंस्टॉल करूँगा और चेंज मैंने किया था गाड़ी को लेने के बाद, चेन सेट चेंज किया था, जो रोल ऑन का चेन लगाया 1600 या 1700 पड़ा था उसका प्राइस। ये सस्पेंशन चेंज किया हूँ, ये हालांकि ये जो है वारंटी पे चेंज हुआ और उतना कुछ मैंने गाड़ी पे ज़्यादा काम नहीं किया था। गाड़ी जब लिया था ऑलमोस्ट 7,000-8,000 किलोमीटर चला था गाड़ी। सो दिस इज़ द थिंग, गाड़ी में जो इशू है मतलब वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत इशू है गाड़ी में और 200 cc का हिसाब से जो है डिसेंट पावर भी देता है। मतलब यू कैन से कि आप 100, 105, 110 तक आराम से मतलब गाड़ी को क्रूज कर सकते हो। मतलब मैंने किया था पूरी जाने के टाइम पे 110 नहीं तो 100, 105 तो आप इजीली कर सकते हो, उतना वाइब्रेशन भी नहीं होगा। और ये जो KTM का हैंडल बार लगाया था इससे जो राइडिंग का जो कम्फर्ट है बढ़ गया। सो या एंड कम्स अबाउट माइलेज, मैंने ऑलमोस्ट सिटी पे 35-36+ तो निकाल, मतलब हायर टाइम ही देता है 35-36+। अगर खूब ज़्यादा तरीके से चलाऊंगा तो 38+ भी दे देता है, 40 नहीं देता है, लेकिन अगर हाईवे पे मैं जाऊंगा एंड तरीके से चलाऊंगा तो 40-42+ भी देता है। तो दिस इज द थिंग, पूरी जब मैं गया था जाने के टाइम पे 40-40+ ऐसे दिया था एंड आने के टाइम पे थोड़ा खींचा तो 38-38+ ऐसा कुछ दिया था। सो यही है अभी के लिए, यही रिव्यू छोटा सा। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताना। और एक चीज़ ये भी मैंने लगाया, ये जो है रेडिएटर गार्ड। देखो टायर इंस्टॉल हो रहा है अभी, देखो टायर इंस्टॉल होने के बाद फाइनल लुक दिखाएंगे, उधर बर्न आउट का जो है वो है। तो गाइस देखो जो है मतलब टायर इंस्टॉल हो गया और मेरा जो प्राइस आया देखो 5,136 एपोलो ट्रम्बलर XR 140 पीछे लगाया और सामने 180 और पीछे जो 140 70 R17 सामने पीछे। सो यस द लोकेशन भागवर जो है भद्रेश्वर में है लोकेशन। मैंने डानलॉक में बहुत जगह दिखा, एपोलो ट्रम्बलर जो सामने का तो मिला ही नहीं और पीछे का भी जो था ऑलमोस्ट नियरली 3,800-3,900 ऐसे कुछ चार्ज कर रहे थे वो लोग, तो इधर कम प्राइस में मिला। तो इससे पहले भी स्कूटी का टायर मैंने यहाँ से ही लिया था।
इधर आप अगर इस साइड से हो तो आप देख सकते हो इधर का। और अभी ओपनिंग का जो है एक पंचर आया पीछे का टायर, तो वही आपको मतलब ठीक कर रहा है। सो हियर द हिंज और टायर हिंज एंड बर्न आउट किया, मैंने कर नहीं पाया था, अभी ने किया मेरी गाड़ी पे, तो उसका भी वीडियो है देख लो।